आज जो उद्देश्य है, नारायणा इंस्टीट्यूट ने जो 100% मुफ्त ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट की व्यवस्था की है बच्चों के लिए, उसके लिए हमने आज प्रेस वार्ता की है। एक ही पेपर होता है पूरे साल में MBBS का। आप IIT की बात करेंगे, बच्चों को JEE मेंस में पिछले साल 4 मौके मिले थे, इस साल भी 2 मौके मिल रहे हैं। तो एक बार किसी बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा हो खराब हो, दूसरे में संभाल सकता है। नीट का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना है 17 जुलाई को, तो बच्चे रियल फील नहीं ले पाते एग्जामिनेशन की, कि वहाँ जाके किसी बच्चे ने रोल नंबर गलत भर दिया, कोई चीज़ गलत कर दी, एग्ज़ाम का वो उनको प्रॉपर प्रेशर में आ जाता है। उस प्रेशर को रिड्यूस करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 7 तारीख को और 12 तारीख को नीट की, जो एज ऑन डेट नीट का इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से 200 क्वेश्चंस होने हैं, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होना है, उसको ध्यान में रख के एक एक टॉपिक सब टॉपिक की जो नीट में वेटेज होती है NCERT का जो उनका गाइडलाइन रहता है, सबको देखते हुए पेपर बहुत ही इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज से पेपर बनवा करके और उन्हीं से वीडियो सॉल्यूशन फिर लेकर के हम लोग आए हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। पेपर भी होगा, एग्जामिनेशन भी होगा और हर बच्चे को फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, और वीडियो सॉल्यूशन के बाद जो एक डिटेल एनालिसिस है वो भी दी जाएगी, कि हमारे यहाँ बहुत माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं, माइन्यूट लेवल पे 2 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं मान लें, तो क्वेश्चन नंबर 1 को उन 2 लाख बच्चों में से कितने लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितनों का सही हुआ, कितनों का गलत हुआ, क्या एक्यूरेसी रेशियो है, एक एक चीज़ की एनालिसिस हम लोग बच्चों के साथ शेयर करेंगे और नेक्स्ट डे ही रिजल्ट दे देंगे। कितने इसमें छात्र रहेंगे आपकी कितनी क्षमता थी? कम से कम 1 लाख बच्चे जरूर रहेंगे। हम अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन आती हैं हो चुके हैं? अभी तक रजिस्ट्रेशन हर सेकंड ही हो रहा है, काफ़ी प्रोसेस से है। एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो सेंट्रल ऑफिस से आता है, बट 50,000 से ऊपर तो हो ही चुका है। जैसे नीट की परीक्षा जिससे आपने कहा है चार स्कूल को फ्री करने का, जबकि ये मोटिव किस तरीके से रहा, क्या किया जा रहा है, ऐसे क्या? ये मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो संस्थान हैं उनके जो हमारे संस्थापक हैं आदरणीय डॉक्टर पी नारायणा सर, शिक्षा के क्षेत्र से समाज की सेवा करना उनके जीवन का मूल उद्देश्य है। तो इस वजह से जब भी ऐसा कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, चूँकि एक ही एग्ज़ाम है नीट, गांव के बच्चे छोटे शहर के बच्चे इतने प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं कि वो हर तरह की सुविधा ले पाए, तो इसलिए सर से सर का ये मार्गदर्शन रहा हम लोगों को कि नहीं, हम लोग चाहे बच्चा किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, टेक्नोलॉजी को नहीं ले पा रहा है, एक एक बच्चे तक हम लोग पहुँचें और उसको ये सुविधा दें। अच्छा, आपसे जुड़ने के लिए संपर्क करने किस तरह की व्यवस्था रहेगी? उसके लिए हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं बच्चे, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, या जो लिंक है हमारा वो भी रहेगा, तो बच्चों को लिंक दे करके हम लोग पूरे जब तक ये पेपर है हमारा पूरा सिस्टम इसी पे लगा हुआ है, तो आप किसी भी स्टाफ को भी फ़ोन करेंगे, लिंक हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा उसका, उस पर जा कर के खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 7 तारीख के एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखेंगे कि 6 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो, जो 12 तारीख का उसका 7 को भी होगा, 8 को भी उसका, 11 तारीख का। सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा? जो बच्चे ऑनलाइन देना चाह रहे हैं, घर पे हैं, नहीं आ सकते हैं तो घर पे भी दे सकते हैं, अगर वो एग्जैक्ट एग्जामिनेशन की फील लेकर के देना चाहते हैं हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं, सेंटर पे भी इसकी व्यवस्था रहेगी। ठीक है।